गुड मॉर्निंग एट क्लास, टुडे इज आवर मैथ क्लास। आज की मैथ की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका न्यू चैप्टर नंबर 11, जिसका नेम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। अब हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो आज डेट है 25th October 2021 और डे है मंडे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज हम न्यू चैप्टर। तो पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आपके न्यू चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन से। तो व्हाट इज वेरिएशन, पहले हमें ये पता होना चाहिए क्लास, वेरिएशन क्या होता है। इफ टू क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर इन सच अ वे दैट अ चेंज इन वन रिजल्ट इन अ करस्पॉन्डिंग चेंज इन अदर। यानी कि वेरिएशन वो होते हैं जिसमें दो क्वांटिटीज होती हैं जो डिपेंड करती है एक दूसरे के ऊपर इन अ सच अ वे, अगर दैट अ चेंज इन अ वन, अगर एक का चेंज होती है रिजल्ट इन करस्पॉन्डिंग चेंज इन द अदर, तो दूसरे का रिजल्ट अपने आप ही चेंज हो जाता है, दैट इज वेरिएशन। ऐसी दो क्वांटिटीज जो एक दूसरे पर डिपेंड करती है और अगर हम एक का रिजल्ट चेंज करते हैं देन अदर जो दूसरा है जो उसके साथ की दूसरी करस्पॉन्डिंग जो से अटैच है उसका रिजल्ट अपने आप ही चेंज हो जाता है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन कितने टाइप के होते हैं। तो टू टाइप्स के वेरिएशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, टू टाइप्स के होते हैं डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशंस। तो डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन दोनों टाइप ऑफ वेरिएशंस के आपकी एक्सरसाइज 11.1 में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, एक्स इज इंक्रीज और डिक्रीज देन वाई इज ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज। जैसा कि आपको बताया वेरिएशन दो क्वांटिटीज एक्स और वाई हमने मान लिया एक दूसरे पर डिपेंड रहता है, तो डायरेक्ट वेरिएशन पे एक ही डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है उन दोनों का कि अगर एक इंक्रीज होगा एक्स तो समझो वाई भी इंक्रीजेस होगा और अगर एक्स डिक्रीज हुआ तो वाई भी डिक्रीज होगा। ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। अब चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन के आप पर, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि वेरिएशन क्या होता है, बताया टू टाइप्स के वेरिएशन होते हैं डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का मैंने एक वर्किंग नोट बनाया जिसमें मैंने बताया कि एक्स और वाई दो क्वांटिटीज है जो डिपेंड है डायरेक्टली एक दूसरे पर, अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी। एग्जाम्पल लेते हैं हम आपका आर्टिकल्स का, अगर हमने आर्टिकल्स को छपवाया जितने नंबर ऑफ परचेजर बढ़ेंगे उतने हमारे आर्टिकल्स भी बढ़ेंगे छपवाएंगे, और अगर हमारे नंबर ऑफ परचेजर लेस होंगे तो हम आर्टिकल्स भी क्या होंगे धीरे धीरे कम होते जाएंगे, लेस होते जाएंगे, हम कम प्रिंटेड करेंगे। समझ में आया। उसी तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं फूड, फूड जैसे हो गया अगर हमारे फैमिली में मोर मेंबर्स हैं तो फूड की रिक्वायरमेंट मोर होगी, देन अगर हमारे फैमिली में मेंबर्स कम है मिनिमम कम होते जाएंगे लेस देन फूड रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो लेस देन, तो हमारे जो फूड की जो रिक्वायरमेंट है जो जो हमें फूड की नीड है वो भी लेस होती जाएगी, दैट इज अ डायरेक्ट कनेक्शन। ओके, इसको हम डायरेक्ट कनेक्शन बोलते हैं। अब हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन बन गया हमें, अ कार मूविंग एट द एवरेज स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक कार की एवरेज स्पीड है नॉर्मल स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में वो 1 आवर में वो 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवरअप करती है। हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 20 मिनट्स, हमें बताना है कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो कार 20 मिनट्स में, हमें वो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये हम करेंगे क्या, हम पहले सॉल्यूशन करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए 1 आवर में हमें डिस्टेंस कवर अप किस पे निकालना है 20 मिनट्स में कितना करके, हमारे पास किसमें है गिवन आवर में, तो 1 आवर में 16 मिनट्स होते हैं 8 क्लास। अब लेट कर लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 20 मिनट, 20 मिनट में हम मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस कवर करती कार वो एक्स किलोमीटर, क्योंकि हमें वो पता नहीं, अनफाइंड अनडिफाइंड क्वांटिटी है हमें नहीं पता, अनवांटेड क्वांटिटी है, तो हमसे क्या करेंगे एक्स किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब हमने टेबल बनाई है, हमारे पास दो चीजें गिवन है टाइम और डिस्टेंस, 16 किलोमीटर वो तय करती है 16 मिनट्स में और 20 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस तय करती है वो हमारे पास एक्स है जो हमने माना था। अब आप देखेंगे ये डायरेक्ट वेरिएशन है क्या, अगर ज्यादा टाइम होगा तो वो ज्यादा डिस्टेंस कम करेगी, यानी कि लेस डिस्टेंस कवर्ड लेस टाइम, हमारा जो निकालना है 20 है, यानी कि हमने पहले 16 मिनट में हमारे पास जो गिवन है वो 16 मिनट ज्यादा का है, 16 मिनट में वो 60 किलोमीटर कवर करती है, तो अब हमें लेस हो गया हमारा टाइम, 20 मिनट में बताना है हाउ मच
डिस्टेंस कवर, तो यानी कि लेस डिस्टेंस कवर करेगी लेस टाइम में, यानी कि कम टाइम में तो कम ही डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है। मैंने बोला था एक्स और वाई, एक्स हो गया टाइम, वाई हो गया डिस्टेंस, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ज्यादा टाइम तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी और कम टाइम है तो कम डिस्टेंस कवर करेगी। तो अब हो गया डायरेक्ट वेरिएशन, हमें दे रखा है 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर करते 16 मिनट में और 20 मिनट में हमें x, ठीक है। अब x के साथ ना अब हमारा जो x के क्या रहा है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो हम 6 तरफ लेंगे, ठीक है, और ये यहाँ पे डिवाइड जो हो रहा है 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, ठीक है, जो साइन के अकॉर्डिंग। अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x 20 किलोमीटर, 20 आएगा, यानी कि जो है द कार विल बी कवर्ड 20 किलोमीटर इन 20 मिनट, यानी कि ये जो 20 आएगा हमारा x है कि वो हमारा क्या है 20 मिनट्स में होकर कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 20 मिनट्स में वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट वेरिएशन के सॉल्व कर सकते हैं 8 क्लास। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बुक में है जिन्हें आपको खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है करने की। अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेरीज आती है तो आप उसे अपनी ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे 8th क्लास।